नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत करता हूँ स्वागत अपने चैनल हिस्ट्री पढ़ने वीडियो में। और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ आनंद कुमार शुक्लहट्टी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं उनके बारे में कुछ टॉपिक। और फ्रेंड्स, ये बात आपको हमारे सर बताएंगे तो उनके मुंह से आप खुद सुन लीजिए। बात बिल्कुल राइट है, आपने अनंत कुमार के बारे में सुना होगा। अनंत कुमार नाम में कभी कंफ्यूजन हो जाती है, कुछ लोग अनंत कुछ लोग अनंत। अनंत कुमार के बारे में सुना होगा, सुपर 30 जिनके नाम से, लाइक अगर मैं बात करूँ एजुकेशन सिस्टम में पूरा वर्ल्ड उनको जानता है। उन्होंने उनके पहले एलिगेशंस की बात करते हैं कि एलिगेशंस क्या हैं उनके ऊपर, अभी वो किन चीज़ों में फंसे हुए हैं। उनके ऊपर ये है कि इस बार 2018 में 26 स्टूडेंट्स उन्होंने पासिंग मार्क्स बताए, कि मतलब 26 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने एडवांस क्रैक करके IIT कॉलेजेस में एडमिशन हो गया। स्टूडेंट्स का दावा है कि सिर्फ 3 स्टूडेंट पास हुए हैं, बाकी सब उन्होंने फर्जी दिखाया है, झूठ बोल के कि भाई आने वाली फिल्म जो है उसमें तुम्हें रोल दिलवा देंगे, या फिर बहुत सारी चीज़ें कि चलो तुम्हारा नाम हो जाएगा, इन सारी चीज़ें। अब बहुत सारी, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा कहीं पे ऐसी कोई फर्जी अखबार में पढ़ के, नहीं, बहुत सारी जागरण न्यूज़ है, बहुत सारी न्यूज़पेपर्स आप देख लें, चाहे वो न्यूज़ टीवी में हो, अखबार में हो, वहाँ पे इनके बारे में लिखा। इनके बारे में भी मैंने लास्ट न्यूज़पेपर पढ़ा जिनमें इन पे एक पटना हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर की गई। इन पे पूरा एलिगेशन लगाया गया कि पहली चीज़ इन्होंने, बहुत से स्टूडेंट ने ये कहा कि ये हर एडमिशन प्रोसेस में हर बच्चे से 33,000 रुपये लेते, 33,000 कुछ रुपए हर बच्चे से लेते थे विदाउट रसीद, उनसे रसीद नहीं देते थे। और गेम प्लान देखिए, वो कहते थे सुपर 30 में एडमिशन दे रहा हूँ, लेकिन कहाँ लेते थे, रामानुजन स्कूल या क्लासेस कह लीजिए ऑफ मैथमेटिक्स में, उसमें वो एडमिशन भरते थे, वहाँ से 30-40 बच्चे लेके आते थे। और बच्चे जो लेके आते थे वो पहले डिस्क्लोज नहीं करते थे कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो हम 30 सेलेक्ट करके पढ़ा रहे हैं, नहीं, जब उनका एडमिशन हो जाता था तब 30 नाम डिक्लेयर करते थे कि इन इन बच्चे थे हम सुपर 30 में पढ़ाते थे और उनका लाइक एडमिशन हो चुका है। तो ये भी एक पॉइंट की बात है कि आप एडमिशन से पहले डिक्लेयर नहीं करते, तो ये एक चीज़ समझनी है। दूसरी चीज़ उस एलिगेशन में ये है कि आपने GST नंबर दायर करा, जब आप कहते हैं कि आप फंड नहीं लेते तो आप GST नंबर क्यों ले रहे हैं, मींस कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर जा रहा है। ये भी एक पॉइंट वाली बात है, क्योंकि पूरा मेंशन है, विकिपीडिया पर जाएंगे आप तो वहाँ पर लिखा हुआ है फ्री बट नॉट फ्री। और गेम प्लान समझिए कि ये एक्चुअली इनका जो ये सुपर 30 आया कब, ये सुपर 30 आया 2008 में, लोगों की नजरों में उभर के आ गया, ये 30 ही बच्चे पढ़ाते हैं और 300 के 300 सेलेक्ट हो जाते हैं, कैसे, मतलब लोगों में इतना उमार आ गया, बहुत मीडिया कवरेज इतनी ज़्यादा मिल गई कि 2009 में जब फिर से 30 बच्चे इन्होंने दिखाए कि भाई फिर से 30 पास हो गए, 10 में फिर 30 पास हो गए, डिस्कवरी चैनल ने इनको अपने 1 घंटे का शो फीचर किया, यहाँ पे समझिए। उसके बाद कई सारे अवार्ड्स मिले इनको, बहुत जगह इन पे फिल्म बनाई जा रही है अभी, बहुत सारी चीज़ें, आपने अब वो अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी होगी आरक्षण, उसमें भी लोगों ने जोड़ के देखा कि भाई इसी से काफ़ी वो लिंक्ड है। समझने की बात है कि एक्चुअली देखिए क्या होता है कि ये तो पॉपुलर हो चुके हैं, तो ये क्या करते हैं, बहुत सारे 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 बच्चों का एडमिशन लेते हैं रामानुजन क्लास ऑफ लाइक उनका मैथमेटिक्स में। उसमें क्या करते हैं, उसमें कुछ बच्चे सेलेक्ट करते हैं, वो 30 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 20 हैं, क्योंकि नेम तो वो डिस्क्लोज करते नहीं है पहले, और उनको पढ़ाते हैं जैसा भी करते हैं। और बच्चों का एलिगेशन है कि सिर्फ 3 बच्चे पास हुए हैं, कुछ बच्चों का जो उन्होंने नाम लिया वो पहले अपना ये राजस्थान से पढ़ के आए हुए हैं। तो क्या ये सिस्टम है, क्या सही क्या गलत, देखिए पैसा कमाइए कोचिंग में, ठीक है आप पढ़ा रहे हैं तो पैसा ले रहे हैं, आप 33,000 रुपये लेते हैं GST का, पर किसी फर्जी कंपनी के नाम पे उन्होंने काटा कि लाइक ये इस कंपनी के नाम से बोले रहे हैं। बहुत सी रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना में उन्होंने बहुत सारी ऐसी लाइक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी है अपने मॉम और भाई के नाम पे, ये सारी चीज़ें ठीक है अपनी जगह, एक एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पे अगर आप एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं, बहुत लोग चला रहे हैं, इसमें गलत क्या है, लेकिन जब चला रहे हैं तो बताइए कि मैं पैसा लेता हूँ, ये नहीं कि मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, मेरी मम्मी खाना बनाती है, मैं घर में गरीब में पढ़ा रहा हूँ, नहीं मैं गरीब बच्चों को, ऐसा नहीं, बहुत से बच्चों एलिगेशन लगाए कि वहाँ सिर्फ गरीब बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वहाँ अमीरों के बच्चे भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बोलते हैं कि लाइक फिल्म में तुम्हें रोल दिलवा दूंगा, तो ये सारी चीज़ें लेके आप, अगर ये सच है तो बहुत गलत है, क्योंकि झूठ बोल के आप नहीं कमाइए, दबा के कमाइए पैसा, लेकिन ये मत बोलिए कि मैं फंड नहीं लेता, हम फ्री में पढ़ा रहे हैं लाइक बिना पंखे एसी के कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन साइड से पैसा ले रहे हैं बच्चों से। बोला गया कि भाई 1 साल बाद रिफंड, बहुत से पेरेंट्स ने कहा कि उन्हें बताया था कि भाई 1 साल बाद रिफंड करेंगे, कोई रिफंड पॉलिसी नहीं होती है, मतलब विदाउट, मतलब 33,000 रुपये लेते हैं लेकिन कोई पर्ची नहीं देते हैं, कोई रिसिप्ट नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आई एम श्योर कि अगर ऐसा है तो बहुत बुरी बात है कि आप इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को इतना बड़ा, एक तो होता है करप्ट करना, एक होता है कि करप्ट का भी ऊपर ले जाना, एक नया लेवल क्रिएट कर देना कि अब ऐसा मतलब इतना बड़ा करप्ट करके दिखाओ जो मैंने कर दिया है, इतने लोगों को बेवकूफ़ बना के दिखाओ जो मैंने बना दिया है, इस टाइप की चीज़ें अगर है तो वाकई गलत है।
क्या सोचते हैं आप इन सब विषयों पर? जो लोग मुझे नेगेटिव फ्रेम करेंगे इस वीडियो में, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, कोई एक आध न्यूज़पेपर वेब पे जाके नहीं पढ़ ली, बहुत सारी ऐसी ऑथराइज लाइक एजेंसी जो न्यूज़पेपर बनाती हैं, छापती हैं, उनसे मैंने पढ़ा, तब जाके मैंने वीडियो बनाई है उन पर, लाइक एक वकील ने एलिगेशन भी डाली है, वहाँ पर पिटिशन भी दायर करी है, तब जाके मैंने बताई कि ये सारी चीज़ें हैं उन पर, कि GST नंबर लिया, कहते हैं हम लोग अपना चैरिटी नहीं लेते, 30 बच्चों को अपना वो कहते हैं कि मेरे 30 के 30 बच्चे पास हुए, लेकिन वो पहले डिस्क्लोज नहीं करते कि कौन कौन से बच्चे हम पढ़ा रहे हैं जो 30 सेलेक्ट होंगे। तो ये सारी चीज़ें सबके दायरे में हैं। क्या सोचते हैं आप इस विषय पे कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।